ग्वालियर राजघराने में आज गम का माहौल है, क्योंकि राजमाता माधवी इस दुनिया को अलविदा कर चुकी हैं। बुधवार को उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि बड़े दुख के साथ ये साझा करना चाहते हैं कि राजमाता साहब नहीं रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता व ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का इलाज पिछले 2 महीने से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। पिछले 2 सप्ताह स्थिति बेहद क्रिटिकल थी। आज सुबह 9:28 पर उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 70 साल की माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थी। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से वो वेंटिलेटर पर थी और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें 15 फरवरी को एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ साथ निमोनिया भी हो गया था। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उनका नेपाल के राजघराने से संबंध था। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1966 में उनका माधवराव सिंधिया के साथ विवाह हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी मां के काफी करीब माना जाता है। मां की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ज्योतिरादित्य बीजेपी के कार्यक्रमों से भी दूर रहे। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद से वे लगातार दिल्ली में ही बने हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीच बीच में दिल्ली का दौरा करते रहे। चुनाव प्रचार थमते ही ज्योतिरादित्य का पूरा परिवार दिल्ली आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर सीएम योगी ने शोक जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ग्वालियर की राजमाता के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पूज्य माता श्रीमती माधवी राजे सिंधिया जी के निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। माँ जीवन का आधार होती हैं, उनका जाना जीवन की अपूर्णीय क्षति है। बाबा महाकाल से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी राजमाता सिंधिया के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वर्गीय श्री माधव राव सिंधिया की धर्मपत्नी एवं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी श्रीमती माधवी राजे सिंधिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और सिंधिया परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।